रिलायंस जियो ने हाल ही में ही अपना जियो फाइनेंस ऐप प्ले स्टोर पर 29 मई 2024 को लॉन्च कर दिया है। इस ऐप लॉन्च के साथ साथ यहां पर साफ साफ जाहिर होता है कि रिलायंस जियो ने यहां पर एंट्री ले ली है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के तौर पर मार्केट में। जी हां, इस ऐप के माध्यम से अब यहां पर आप किसी का भी बार कोड स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे, यहाँ पर UPI ID UPI नंबर बना पाएंगे, बिल पेमेंट कर पाएंगे, GTH रिचार्ज वगैरह कर पाएंगे, मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर पाएंगे। यहाँ पर अपना एक वॉलेट आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पेटीएम के अंदर या एयरटेल के अंदर आप वॉलेट क्रिएट करते हैं, तो जियो के अंदर आप जियो मनी नाम से एक वॉलेट क्रिएट कर सकेंगे। यहाँ पर साथ ही साथ आप जियो का एक पेमेंट बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक इंश्योरेंस आप यहाँ से ले सकते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप जैसे आप दूसरे ऐप के अंदर एक UPI अकाउंट बनाते हैं, जैसे फ़ोन पे के अंदर, गूगल पे के अंदर आप एक UPI अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट लिंक करते हैं, उसके माध्यम से यहाँ पर आप QR कोड करके यानी कि स्कैन करके पेमेंट करते हैं, UPI ID के माध्यम से पेमेंट करते हैं, या अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, या आप स्टेटमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो आप इस माध्यम से भी यानी कि आप जियो फाइनेंस ऐप के माध्यम से ये UPI अकाउंट बना के सभी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम की तरह ये ऐसे ही काम करेगा जैसे वे करते हैं। अगर आपने गूगल पे, फोन पे वगैरह का एक अकाउंट नहीं बनाया है, तो उसके ऊपर भी मैंने पहले से ही बहुत सारी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस ऐप को अगर यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर आकर इस ऐप को यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। बहुत सारे यूजरों को इसका लिंक नहीं मिल रहा है, ये डाउनलोड उनके मोबाइल में नहीं हो रहा है, प्ले स्टोर पर सर्च में नहीं आ रहा है, तो उसके भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप यहां पर इसे प्ले स्टोर से आके जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे, ये आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट करेगा और यहां पर आपके सामने ये वाला ऐप आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं 29 मई को ये ऐप लॉन्च हुआ है, अभी अभी यहां पर नया नया ऐप है, तो बहुत सारे लोगों को यूज़ करने में दिक्कत आ रही है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। जब आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, तो आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जब इसे ओपन करेंगे, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे गेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर एंटर करिएगा। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको अपना फिंगरप्रिंट सेटअप करने के लिए एक्टिवेट लॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, या स्किप नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। बस उसके बाद आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको इस ऑप्शन के माध्यम से सभी डिटेल बता दी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर अपना कोई बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्रिएट UPI का ID के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिएगा, बैंक अकाउंट जुड़ जाएगा जब आपका, तो यहाँ पर आप सभी सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट वगैरह आप सभी सर्विसेज कर पाएंगे। अगर आप इससे लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नीचे कॉर्नर पे यानी कि राइट हैंड साइड में लोन का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको पेपरलेस लोन आप प्रोसेस से यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं, जहाँ पर आपका इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अभी ये कमिंग सून में आ रहा है, अभी यहाँ पर इनिशियल स्टेज में है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लोन अभी ले नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर सभी सर्विसेज आप यहाँ पर जियो फाइनेंस ऐप की यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वगैरह। अगर आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस्तेमाल कर लीजिए। बस आज की वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। वीडियो को जाते जाते लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।